पिताजी 4 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं और उधर उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर तुम महीना पहले मर जाते तो उनकी जगह रमेश को नौकरी मिल जाती। वो बेचारा नौकरी के लिए कहां कहां भटक रहा है। नौकरी मिल जाती, मिल जाती, नौकरी मिल जाती। और एक बाप होने के नाते मैं भी वही करना चाहता था जो तुमने किया। तुम्हें मैंने सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए छोड़ा। मेरे दिल को सुकून मिला तुम्हें छोड़ के, मगर तुमने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया। क्या हुआ यार, घर क्यों नहीं आया आज तू? कुछ नहीं यार, थोड़ा काम पड़ गया था, कुछ खा भी नहीं पाया है तुम्हें। अबे खा लियो मोटे, पार्टी आज। चल अभी चलते हैं। रुकना यार, सिगरेट तो खत्म होने दे। एक्सक्यूज मी। यस सपना। हाँ? एक बात बोलूं? क्या? तुम हंसते हो बहुत अच्छी। और जब नहीं हंसती हूँ तब? तब अच्छा। सपना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं। अच्छा है। क्यों मतलब? मतलब के लड़कियों को कॉलेज से पहले बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए। और कॉलेज में आने के बाद? हाँ, कॉलेज में आने के बाद अगर पहले ही दिन कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो। मतलब क्या है आपका? मतलब कुछ खास नहीं। वैसे लड़कों को भी सेकेंड ईयर में आने के बाद ही गर्लफ्रेंड्स बनानी चाहिए। क्यों? फर्स्ट ईयर में न्यू एडमिशन आने से मैंने चॉइस मिल जाती है ना। अच्छा। एक बात कहूँ राज, कॉलेज में पहले ही दे मुझे। आई एम वेरी लकी। फ्रेंड? हाँ। सिर्फ फ्रेंड? और क्या? सच बोलूँ फ्रेंड नहीं, फ्रेंड से कुछ ज़्यादा। ज़्यादा मतलब? मतलब जो फ्रेंड से ज्यादा अच्छा लगे। ये आवाज कहाँ से आ रही है सपना? कौन सी आवाज? ये आवाज आ रही है ना? कौन सी आवाज आ रही है सपना? ये आवाज सुनो, ये आवाज आ रही है। कोई आवाज नहीं आ रही है। नहीं सपना, आवाज आ रही है। मैं बोल रही हूँ राज। मैं जा रहा हूँ सपना। कहाँ? पता नहीं। मतलब? मैं जा रहा हूँ राज। मैं जा रहा हूँ सपना। राज, राज रुक जाओ। राज, राज।
Oh shit! No water! सुनो यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? यहाँ पानी मिलेगा? पेप्सी मिलेगा। क्या ये आपका बेटा है? ओ, तो तुम कूदे नहीं अब तक? तो आप यहीं पे थे, क्या कर रहे थे? मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ और मेरे यहाँ आने की वजह भी वही है जो तुम्हारे आने की। तो आप आत्महत्या करना चाहते हैं? मैं जान सकता हूँ क्यों? मेरा नाम आनंद चोपड़ा है। 6 साल पहले मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया था प्रोविडेंट फंड के लिए, कि मेरे बेटे को अमेरिका जाना था ऊंची पढ़ाई के लिए। मैंने काफी कर्जा भी लिया था। मैं सोचता था कि वो लौट कर लाइसेंस निकाल बोल लिया ना। लो तो कैंडी खाओ, लोटपोट हो जाओ।